जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आज का आपका डेली राशिफल लेकर। डेली राशिफल प्रारंभ करने से पहले आपको आज के ग्रह गोचर के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले ग्रह गोचर सुबह 4:30 बजे के जो ग्रहों की आसमान में स्थिति थी उसके अनुसार ग्रह गोचर आपका भविष्यफल की व्याख्या करता हूं। तो आज के ग्रह गोचर के अनुसार सूर्य ग्रह मेष राशि में, शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की वृष राशि में, मिथुन राशि में राहु ग्रह, धनु राशि में केतु ग्रह, मकर राशि में बृहस्पति शनि और मंगल, कुंभ राशि में चंद्रमा, मीन राशि में बुध ग्रह विराजमान है। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग मुझसे फ्री में जानना चाहते हैं, जो लोग मुझसे ये आशा रखते हैं कि मैं उनकी परेशानियों के उपाय बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के उनको बताऊं, तो उन लोगों के लिए मैंने शनि पीठ मंदिर की तरफ से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। इस मोबाइल ऐप का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप उस लिंक को क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसमें स्वामी प्रिंस ऋषि, उनके असिस्टेंट साधक और साधिका आपकी समी परेशानियों का, आप जो भी परेशानी लिख के भेजेंगे उसका उपाय, डायरेक्टली उपाय आपको बताया जाता है। कुछ लोगों को हम अपने अन्य असिस्टेंटों के द्वारा आपको फोन कॉल करने को कहते हैं जरूरत के हिसाब से, या व्हाट्सएप कॉल के द्वारा आपसे कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ करते हैं आपके आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2077 तारीख 18 अप्रैल 2020 वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की आज एकादश तिथि है। आसमान में शुक्ल नामक योग है और शतविशा नक्षत्र का उदय हुआ था जब हमने ये कुंडली बनाई, और जो राहु काल रहने वाला है वह सुबह 9:06 से 10:43 तक आपका राहु काल आज रहेगा। इस राहु काल के दौरान सभी तरह के शुभ कर्मों को वर्जित बताया गया है, तो आप धर्मशास्त्रों का पालन करते हुए इस समय के दौरान कोई शुभ कार्य का प्रारंभ ना करें। कल मेरे साथ एक बड़ा रोचक वाक्य हुआ। जब मैं किसी सामान को लेने के लिए बाजार गया तो एक दुकानदार जो था वहां घूम रहा था, उसने मुझे देखते ही प्रणाम किया और मेरे पैरों को पकड़ लिया। मैंने पूछा, आपको क्या परेशानी है? तो कहता है, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, कल तक मेरे पास शराब का कोटा था किंतु आज मेरे पास शराब नहीं है, और शराब तो कहीं नहीं मिल रही। मैं 10 जगह सुबह से ट्राई कर चुका हूं, मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मेरा क्या होगा? मैंने उस व्यक्ति को ढांढस बताया, ढांढस दिया, संतावना दी और कहा, आपका कुछ नहीं होगा, और अगर आपको ये शुभ समय मिल रहा है आप जैसे लोगों के लिए तो ये वरदान है, शुभ समय है कोरोना काल, इसमें आप अपनी सभी गुटखा सिगरेट शराब आदि के व्यसन से छुटकारा पा सकते हैं। इस काल का उपयोग आप शुभ मानकर अपने इस व्यसन से दूर होने का प्रयास कीजिए, और जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो किसी प्रकार की ड्रग्स का सेवन करते हैं, उनके लिए भी ये वरदान के समान है। इस समय का उपयोग कर आप इन सभी लतों से, आफतों से छुटकारा पा सकते हैं जो आपको समाज के सामने
बहुत बार दुर्गति होने का कारण बनती हैं। और इसके साथ ही मैं आप सभी व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा, आप मेरे जब वीडियो देखते हैं तो उन पर कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना, लाइक करना, और जो आपको वीडियो में अच्छा लगता है तो उस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसा करने से हमें और अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करें। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करें, आप में से शेयर करें और लाइक करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के साथ, जैसा कि कन्या राशि वालों को स्वतः ही पता है कि उनके और उनके जीवन साथी के मध्य काफ़ी सारी अड़चनें चल रही हैं। सर जो असली कन्या राशि वाले उनकी बात कर रहा हूँ। परिवारजनों के साथ आपके संबंध निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं, तो उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहिए। भाई बहनों के साथ अगर बात करते हैं तो कुछ जो उनके संबंध हैं, निश्चित रूप से उनको एजुकेशन में हेल्प करेंगे, उनको कैरियर बनाने में हेल्प करेंगे, तो उनसे आशीर्वाद लेकर उनकी सलाह मानकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। माता के साथ कुछ अड़चनें निश्चित रूप से आ सकती हैं, किंतु सावधानी पूर्वक आप उनका माता का आशीर्वाद लीजिए और निश्चित रूप से वो भी आपको आशीर्वाद देकर आपकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकेंगे। बात करते हैं आपके घर पर आपके कोई कुछ व्यक्ति हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर सकते हैं, कुछ पूजा पाठ इत्यादि के द्वारा, तो आपको उससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई बड़ी परेशानी आपके सम्मुख है, तो आप बिना किसी जगह की स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या पर्सनली मिलकर अपनी परेशानियों को दूर करने के उपाय हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का वो इस समय अपने भाई बहनों, माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, किंतु उन लोगों की बात करें जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, तो ऐसे माता पिताओं और स्टूडेंटों से हम कहना चाहेंगे कि हम गारंटी लेकर उपाय करते हैं आपके बच्चों की, कि हर साल उनके पहले से ज़्यादा नंबर आएंगे और उनका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। बस आप उसके लिए आपको साल में एक बार ही कुछ उपाय करने होंगे, छोटे से उपाय करने होंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय, उनको करके हमारी गारंटी आपके साथ हो जाती है। इसके साथ ही बात करते हैं शत्रुओं की, शत्रु इस समय आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही अगर आप गठिया की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप और आपको डॉक्टरों से कोई फायदा नहीं मिला, तो एक बार आप एस्ट्रोलॉजी का उपाय अवश्य करने का प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं भाग्य से संबंधित, तो भाग्य सितारा बिल्कुल आपके साथ खड़ा हो, किंतु कार्यस्थल पर आपके लिए काफ़ी सारी अड़चने आ सकती हैं, तो आपको सतर्कतापूर्वक आपको डील करना चाहिए कार्यस्थल पर, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आमदनी की अगर हम बात करें तो आमदनी का जो सितारा है वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा और आपको बीमारी इत्यादि पर खर्च करना पड़ता है, पड़ सकता है, तो आपको सतर्क रहने की अत्यंत आवश्यकता है। आखिर में हम बात करते हैं उन युवक युवतियों की जो प्रेम संबंधों में बहुत परेशान हो रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, कोई हल नहीं निकल रहा, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, शक शुभा, लड़ाई झगड़े, शादी होगी या नहीं होगी, इन सब चीज़ों की वजह से परेशान है, तो उनसे कहना चाहेंगे बिना किसी जगह इसकी पर आ रहे नंबर पर आप एक बार हमसे संपर्क करिए, हम एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय के द्वारा आपको खुशियाँ देने का भरपूर प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरु जी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी, तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। जरा जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरु जी के थ्रू, तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरुजी से ये पूछने आई थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना? अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने, मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज़, और झूठ नहीं है।